पंजाब में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन की तस्वीर साफ हो गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल में सहमति नहीं बन पाई है और इस बारे में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक वीडियो संदेश के नाम से जानकारी दी है। पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेगी बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल से नहीं बनी बात, गठबंधन को लेकर जारी अटकलों पर लगा विराम, पंजाब में इस बार चौतरफा हुआ मुकाबला। पंजाब में लोकसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। काफी दिनों से बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के बीच गठबंधन को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन बीजेपी ने जारी अटकलों पर आज विराम लगा दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने एक्स पर इस बाबत ऐलान कर दिया है कि पंजाब में पार्टी अकेले उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे लोकसभा चोन कल्ले लड़न जा रही है। आ फैसला पार्टी ने लोकां दी राय, पार्टी दे वर्कर्स दी राय, लीडर साहिबान की वख वख राय, उन्हां सारयां नूं लै के उहदे बाद पंजाब दे भविख, पंजाब दी जवानी, पंजाब दी किसानी, पंजाब दे व्यापारी, पंजाब दे सनअतकार, पंजाब दे मजदूर, साडा पिछड़िया वर्ग, सारयां दी बेहतरी वास्ते, एक उज्जवल भविख वास्ते आ फैसला लिया है। क्योंकि जो कम बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहनुमाई दे विच पंजाब वास्ते कीते ने, किसे तों लिया नहीं। किसानां दे फसलां दा एक एक दाणा पिछले 10 साल चक्किया गया MSP ते जिहड़ी उन्हां नूं उहदी भुगतान है हफ्ते दे अंदर अंदर उन्हां दे खातियां दे विच पहुंची है। करतारपुर साहब दा लांघा जिहदे वास्ते सदियां तों इत्थे लोग खुले दर्शन दीदारां दी मंग करदे सी, उह भी प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहनुमाई दे विच सानूं अज आ जिहड़ी कृपालता वाहिगुरू ने जिहड़ी मेहर कीती है, बख्शिश दित्ती है, आ प्रधानमंत्री मोदी जी दी बीजेपी सरकार नूं आ बख्शिश प्राप्त हुई है। पंजाब के लोगों को काफी लंबे वक्त से उम्मीद थी कि प्रदेश में शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी के बीच गठबंधन होगा। गठबंधन के कयासों के बीच शिरोमणि अकाली दल ने लोकसभा सीट, MSP और बंदी सिखों जैसी कई शर्तें सामने रख दी, जिसके बाद से दोनों पार्टियों में गठबंधन की राह मुश्किल नजर आने लगी थी। वहीं आज बीजेपी के इस ऐलान के साथ शिरोमणि अकाली दल के साथ उसके गठबंधन की सारी अटकलें खत्म हो गयी, जिस पर शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए अपने दल को उसूलों की पार्टी बताया है। शिरोमणि अकाली दल एक कोई मामूली सियासी पार्टी नहीं है, एक असूलों की पार्टी है। साढ़े वास्ते असूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नंबर गेम तो। 103 सालों विच अकाली दल ने कि सरकार बनाने वास्ते पार्टी नहीं बनाई। गठबंधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अकाली दल के साथ काफी वक्त से बातचीत चल रही थी, लेकिन शिअद की कोर कमेटी ने अपनी कुछ मांगों को लेकर सारा गुणा गणित बिगाड़ दिया है। ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस भी बीजेपी शिअद के गठबंधन की राह देख रही थी, वहीं अब गठबंधन को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है। ऐसे में अब पंजाब में कांग्रेस, आप, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल अकेले अकेले मैदान में उतरेगी तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। आज तक ब्यूरो। पंजाब में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। लुधियाना से सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी के दामन उन्होंने थामा है। रवनीत दिवंगत पूर्व CM बेअंत सिंह के पोते हैं, उन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। दिल्ली स्थित बीजेपी के मुख्यालय में रवनीत सिंह बिट्टू ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। हाल ही में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उन्होंने कांग्रेस से अलग रुख अपनाया था और दिल्ली के CM को निशाने पर लिया था। एक गैप पंजाब में जो एक पुल का, ब्रिज का काम करने की जरूरत है, किसानों को साथ लाने की, वहां के मजदूरों को साथ लाने की, वहां के दुकानदार, इंडस्ट्रीज को साथ लाने की, वो काम क्योंकि सरकार 10 साल रही, आगे भी लोगों ने फैसला जो किया है वो सरकार मोदी जी की बननी है, तो हम क्यों पीछे रहें, हमारी पंजाब क्यों पीछे रहे। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई किसानों से या किसी और से कोई प्यार नहीं है, ये
मैं पार्लियामेंट में देखता रहा हूं, लेकिन एक टाइम था अकाली दल ने ये बिल के ऐसा बिल लेके आए और सपोर्ट कर दिया जिससे ये गमरा कर, और अब उससे पीछे हट गए, पीछे अकाली दल है। तो हम अच्छी तरह हर पंजाब के वर्ग को दिल्ली से मोदी जी से और बीजेपी से जोड़ेंगे। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों ने पूरी तरह से कमर कसी हुई है। पंजाब में बीजेपी और कांग्रेस के प्रचार प्रसार के लिए सोशल मीडिया वॉर रूम तैयार कर दिए गए हैं, जहां से वो अपनी अपनी पार्टियों की नीति को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। कुछ ही दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में जुटी है। अभी तक ना तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया और ना ही कांग्रेस ने, लेकिन सोशल मीडिया वॉर रूम्स तैयार कर दोनों पार्टियों के नेता अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। नजारा कुछ ऐसा है कि रैलियों में भीड़ जुटाने और डोर टू डोर कैंपेनिंग से हटकर दोनों पार्टियों की ओर से तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के जरिए लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यह बीजेपी के सेक्टर 33 दफ्तर कमलम की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ बीजेपी अपनी पार्टी की 10 साल की नीतियों को कैसे हर घर तक पहुंचाना है, उसके लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रही है। बीजेपी ने अपनी नीतियों को चंडीगढ़ के लोगों तक पहुंचाने के लिए 20 लोगों की एक टीम तैयार की है। इस 20 सदस्यों वाली टीम में उन लोगों को रखा गया है जो पिछले काफी समय से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया की हमने पूरी यहाँ पे टीम बैठी है और हर विषय के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर जहाँ पे अलग अलग एक्सपर्ट बैठे हैं। सोशल मीडिया का आज बहुत इम्पैक्ट है सोसाइटी के अंदर। सोशल मीडिया आ जाएगी, अभी यहाँ से कुछ वारदात हो जाए या कुछ बात हो जाए तो वो एक मिनट के अंदर न्यूयॉर्क में पहुँच जाती है, करोड़ों लोगों के पास पहुँच जाती है। इसका बहुत बड़ा रोल है। और जैसे कि मोदी सरकार की जो डिलीवरीज है, जो मोदी सरकार की अचीवमेंट्स हैं, वो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं और भी पहुंचाते रहेंगे। इस सब के बीच कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस भी बीजेपी को सोशल मीडिया के जरिए कड़ी टक्कर देने की तैयारी कर रही है। ये तस्वीरें कांग्रेस दफ्तर की हैं, जहां पार्टी के नेता अपनी नीतियों को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस कमेटी ने 20 से 25 लोगों की एक टीम बनाकर विपक्ष को घेरने की तैयारी की है। टीम के सभी सदस्य विपक्ष पर नजर रख अपने नेताओं का संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए मुस्तैद है। ये वॉर रूम हमारा यहाँ पर तैयार हुआ, उसमें हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, यंगस्टर्स जो बैठे हैं। अभी हमारी टीम और भी, हमें अभी 2 महीने चंडीगढ़ के चुनाव को पड़े हैं, लास्ट फेज का है। और कुछ लोग भी हैं, आज होली की छुट्टी करके कल की वजह से आज कुछ लोग कम आए हैं, पर हमारी 10 लोगों की डेडिकेटेड टीम अभी जो चंडीगढ़ में लोकसभा की लगी हुई है, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों यंगस्टर्स हैं। और आने वाले दिनों के अंदर ये संख्या और बढ़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी लड़ाई आज सोशल मीडिया पे लड़ी जाती है, शायद उतनी सड़क पर नहीं लड़ी जाती। और पहले ट्रेडिशनली रैलीज होती थी, पब्लिक मीटिंग्स होती थी, प्रोग्राम्स होते थे, आज सोशल मीडिया के माध्यम से, एक्स के माध्यम से, फेसबुक पे और इंस्टा पे ऐसे तरीके से डाला जाता है, ग्रुप्स के अंदर डाला जाता है। जो वॉरफेयर है वो एक सोशल मीडिया के अंदर शुरू हो गई है, तो उसी की तैयारी को लेकर हमने ये चंडीगढ़ में टीम बनाई है नौजवान। अब देखना ये होगा कि दोनों ही पार्टियों के नेता जो दावे कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जनता किस पर अपनी मोहर लगाती है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। संगरूर से कांग्रेस के नेता दलवीर सिंह गोल्डी ने सरों से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को भी तेज कर दिया। उन्होंने भरोसा जताया है कि पार्टी उन्हें जरूर टिकट देगी। इस मुद्दे को लेकर दलवीर सिंह गोल्डी ने आज तक से खास बातचीत की। और हम इस समय धूरी में मौजूद हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का अपना विधानसभा क्षेत्र है, और जो संगरूर है वो आम आदमी पार्टी अपने आप को आम आदमी पार्टी की राजधानी मानती है, लेकिन अभी दलवीर सिंह गोल्डी ने संगरूर से लोकसभा चुनाव का जो चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। हमारे साथ दलवीर सिंह गोल्डी हैं। गोल्डी साहब, कैसे देखते हो, आपने ऐलान कर दिया, भले ही कांग्रेस ने ऐलान नहीं किया, किसी भी उम्मीदवार का नाम आगे नहीं किया। थैंक यू विकी जी, आप यहाँ पे आए। तो जो लास्ट हमारी बाय इलेक्शन हुई थी, जैसे आपको पता ही है कि जो विधानसभा इलेक्शन थी वो मैं मुख्यमंत्री, अभी के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह जी के सामने कॉन्टेस्ट किया, तो उसमें मेरे को हार का सामना करना पड़ा था। तो वो सीट खाली होके फिर मेरे को
लोकसभा उस समय लड़नी पड़ी थी, तो उसी समय मेरे को पार्टी ने बोल दिया था कि आगे का चुनाव भी 2024 का आप ही यानी कि कॉन्टेस्ट करोगे। मेरे उसी के चलते हुए मेरे को डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनाया गया। मैं लगातार उस समय से अब तक जो हम मैं और मेरा पूरा परिवार इसके लिए काम कर रहे हैं और लोगों के साथ हम टच हो रहे हैं। बूथ लेवल तक हमने जो अपनी कमेटीज डिसाइड कर ली। आपको लग रहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और जो जिस लोकसभा सीट से आप दावेदारी कर रहे हो, जहां से सभी जगह पर आम आदमी पार्टी के विधायक हैं, पिछली बार जो बाई इलेक्शन हुआ था उस समय भी कांग्रेस की हार हुई, इस वक्त आप कैसे देखते हो? क्योंकि भले ही उस समय आम आदमी पार्टी भी नहीं जीती थी और सिमरजीत सिंह मान की जीत हुई जी, लास्ट इलेक्शन सिमरजीत मान जीते थे, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल सच है कि सभी के सभी यहाँ पे जो भी विधायक हैं वो आम आदमी के साथ ही अलाइंड है, जीते हुए हैं, तो ये एक मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन हमने बड़े अच्छे से मेहनत कर रखी है क्योंकि ये अपना बिजी रहे अपने उसमें, हम लोगों में रहे पूरा 1.5 साल, तो मेरे को लगता है कि लोग इस बार जो अपना मन बना चुके हैं और मेरे को वो आशीर्वाद देंगे। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, बीजेपी ने इस्तीफे की मांग पर हल्ला बोल दिया है। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर विपक्ष की आवाज को दबाने का आरोप लगाया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर भगवंत मान ने आज तक से खास बातचीत की है। आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब अरेस्ट हो चुके हैं, 6 दिन ईडी की रिमांड पे है। करप्शन, नैतिकता की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल आज करप्शन के चार्जेस में अंदर हैं। आम आदमी पार्टी इसे एक राजनीतिक षड्यंत्र मान रही है। भाजपा कह रही है देखिए लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, कानून अपना काम कर रहा है। इसके बीच जब आम आदमी पार्टी के सारे बड़े नेता जेल की सलाखों में हैं, अब एक सवाल खड़ा होता है आम आदमी पार्टी के खुद वर्चस्व पे, क्या आम आदमी पार्टी ये सर्वाइव कर पाएगी? जुड़ रहे हैं मुझसे अब भगवंत मान, मुख्यमंत्री पंजाब के, क्योंकि भगवंत मान जी सबसे भारी जिम्मेदारी अब आप पर आती है, क्योंकि राजनीतिक षड्यंत्र बोलना एक बात है, उसकी आड़ में छुपना दूसरी बात है। बहुत तीखे सवाल उठ रहे हैं करप्शन को लेके, नैतिकता को लेके, जो आपके नेता अरविंद केजरीवाल जी ने खुद बोले थे। देखिए इल्जाम है, ये चार्जेज नहीं है, इल्जाम लगा रहे हैं वो। देखो भाजपा वाले एक वाशिंग मशीन बन चुके हैं, बड़े बड़े जो देश के घोटालेबाज हैं एक दिन पहले उनके खिलाफ बोला जाता है या फिर ईडी भेजी जाती है, अगले दिन वो शामिल हो जाते हैं तब उनको राज्यसभा का टिकट भी मिल जाता है, उनको कैबिनेट भी मिल जाती है। मतलब इन्होंने ये समझ रखा है जो हमारे पास आ जाएगा वो क्लियर। इससे पहले जो नीतीश कुमार वाला किस्सा हुआ, क्या कह रहे थे हमारे HM साहब कि उनके लिए दरवाजे सारे बंद हैं, लेकिन दरवाजे ही इतने हैं भाजपा में, पिछले दरवाजे से ले लेते हैं। ऐसी उनका जवान का हुआ, आदर्श घोटाले वालों का, तो ये हम पर ये आरोप लगा रहे हैं, साबित नहीं हुए, अभी रिमांड मांग लिया। हमें पता था, हम कब से कह रहे थे कि ये गिरफ्तार करने वाले, कारण ये नहीं चाहते कि इलेक्शन में विपक्ष वाला कोई बड़ा नेता, खासतौर पर अरविंद केजरीवाल के कद का नेता, को देश में जाके प्रचार करे। तो हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया, पकड़ लिया, ममता बनर्जी जी के बारे में आरोप लग रहे हैं, विजयन साहब केरला के मुख्यमंत्री वो सुप्रीम कोर्ट में घूम रहे हैं कि हमारे पैसे दे दो। मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में हूँ, पंजाब का RDF का 5,500 करोड़ रुपया हमारा दे रहे। स्टालिन साहब को भाषण ही नहीं पढ़ रहा उनका गवर्नर, जो बजट में भाषण पढ़ना होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा अप्रूव्ड होता है, गवर्नर हैव टू रीड दैट, पर नहीं पढ़ रहा। तो मतलब ये कि जहां इनकी सरकार नहीं है तो वहां ये ऐसे तंग करते हैं। पर मान साहब देखिए, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने आप तक ने हमेशा बोला है कि आपकी जो पार्टी है दूसरी पार्टियों जैसी नहीं है। आपने हमेशा करप्शन का मुद्दा उठाया है, अरविंद केजरीवाल एक करप्शन, एंटी करप्शन क्रूसेडर माने जाते हैं। उन्होंने हमेशा खुद इतने भाषण दिए हैं जब बोला है कि देखिए अगर मुझ पे कभी भी करप्शन का कोई भी चार्ज लग जाए मैं खुद छोड़ के जाऊंगा, पर आज कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, चार्ज लगना, बीजेपी चार्ज लगाएगी, बीजेपी क्या धुली हुई है साबुन से, कौन से साबुन से धुली है? तो बीजेपी चार्ज लगाए हम छोड़ दे, हाँ जनता को सब पता होता है, जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। अगर इन्होंने
मनीष सिसोदिया, देखो जिसने दिल्ली में अस्पताल बनाए सत्येंद्र जैन वो जेल के अंदर, जिसने दिल्ली के स्कूलों के गरीबों के बच्चों को आईआईटी नीट तक योग्य बना दिया मनीष सिसोदिया वो जेल के अंदर, जिसने राज्यसभा में मोदी जी के सामने बोला कि आपके विरोध में हम बोल रहे हैं, आप अपने मित्रों को देश बेच रहे हो संजय सिंह वो जेल के अंदर, अब अरविंद केजरीवाल अंदर, मतलब इनके कहने से क्या ये हो जाएगा कि हम दोषी हैं? हाँ दोषी पब्लिक है, पब्लिक साबित कर देगी, लेकिन इनको डर क्या है? इनके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने निकले हैं? 8,000 करोड़ के, और जिनके निकले हैं पहले तो एसबीआई मान ही रही थी, 136 दिन मांग रहे थे, जब चीफ जस्टिस साहब ने कहा 2 दिन में दो, फिर 2 दिन में कैसे दे दिए? और जो निकले हैं बॉन्ड उसमें क्या है, पहले ईडी की रेड होती है, 10 दिन बाद वो बंदा खरीदता है बॉन्ड, पहले ईडी की रेड होती है, 5 दिन बाद वो बंदा बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देता है, और इनको मिलता है चंदा। ये कहते हैं अगर इतना ही मोदी की बेब पर आपको भरोसा है तो चंदे की क्या जरूरत है, 7 स्टार आपने ऑफिस बना रखा है वहां। सो जब अपने पे आए तो ये नहीं नहीं हम तो ठीक है, जब कोई और हो नो 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 ये तो बहुत ही मोस्ट करप्ट है। पिछले 6 महीने से इनके मंत्री कह रहे हैं ये अंदर होगा, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, इनको कैसे पता? अब कह रहे हैं ये तो ईडी का काम है, कानून अपना काम कर रहा है। अरे भाई साहब कानून की मान रहे हो, किसकी मानी अभी तक? सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 से फैसला दिया प्रीति जी के सर्विसेज जो हैं दिल्ली की वो सारी सरकार के चुनी हुई सरकार के अंडर होंगी, इन्होंने 5-0 वाला माना फैसला। उसी दिन शाम को 6 बजे, इनको पता था 5 बजे कोर्ट बंद हो जाती है, शाम को 6 बजे ऑर्डिनेंस लाके सारे अधिकार एलजी को दे दिए। तो मतलब इनके कहने से चलेगी दुनिया? आज प्लास्टिक से पूरी दुनिया परेशान है, जिधर देखो उधर प्लास्टिक। प्लास्टिक से भले ही कई तरह के कामों को आसान बनाया गया है लेकिन परिणाम बड़े ही भयंकर हैं इसके। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने प्लास्टिक का विकल्प खोजा है। अब एक तो इसे हर्बल पदार्थों से बनाकर तैयार किया जाएगा, दूसरे 1 महीने में खुद ब खुद ये नष्ट भी हो जाएगी। चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ललित शर्मा की इस रिपोर्ट को देखिए आप। फूड इंडस्ट्री में प्लास्टिक का कितना उपयोग होता है ये सभी जानते हैं, और सब ये भी जानते हैं कि प्लास्टिक पर्यावरण से लेकर इंसानों के लिए कितना हार्मफुल है। लेकिन अब पंजाब यूनिवर्सिटी ने उसका एक अल्टरनेटिव है वो ढूंढा है। जी हाँ, मेरे हाथ में आप जो ये फिल्म देख रहे हैं ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, जिसे हाल ही में पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक साइंस ने तैयार किया है। ये बेसिकली हमने नेचुरल मटेरियल, बिकॉज हमारे तो नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हैं और इसी तरह से हमारी मोटिवेशन थी, तो हमने नेचर से ही इंस्पायर होके किया है इसको, और ये हमारी जो नीम गम है उससे हमने इस चीज़ को बनाया है। तो मेन इंग्रेडिएंट नीम गम है और बाकी भी इंग्रेडिएंट है जो कि फिल्म बनाने में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ देने में जो हेल्प कर रहे हैं। ये 22 में हमने इसको कंप्लीट किया और टेस्टिंग भी करी, और फिर हमने ये अभी पेटेंट के लिए फाइल किया था, और अभी रिसेंटली हमें कुछ दिन पहले ही इंडियन पेटेंट ग्रांट हुआ है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जैसे हम चिप्स खा रहे हैं, हम नूडल्स ले रहे हैं, या कोई भी ड्राई फ्रूट, हम जितने भी फूड हैं जो पैकेज्ड उसमें आते हैं उसके, वो सारे मोस्टली प्लास्टिक फिल्म्स ही होती हैं। और आई थिंक अगर ये मटेरियल यूज़ होगा तो एनवायरनमेंट बिल्कुल आई थिंक क्लीन रहेगा, बिकॉज हम देखते हैं कि उस चीज़ का अल्टरनेटिव अभी तक भी मार्केट में नहीं है। अगर हम इस पूरी फिल्म की खासियत की बात करें, साधारण सा दिखने वाला जो ये फिल्म है ये वाकई में बहुत कारगर साबित होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि एक तो पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, यानी 1 महीने के अंदर अगर मिट्टी में डालें तो ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाएगी, उसके साथ अगर हम पानी में इसे डालें तो 1 हफ्ते के अंदर है वो ये डिजॉल्व हो जाएगी, और पर्यावरण को किसी तरह का कोई भी नुकसान इसके ज़रिए नहीं होगा। वीडियो जर्नलिस्ट गिरीश दुर्गापाल के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।